angels are smart angels. They want the ownership at the center. And definitely, it's a very natural thing. If somebody is investing in a business, he will need the shares. Some important concepts. Digital currency. When we'll be talking about digital currency, it's different from virtual currency. Virtual currency kya hai? You might have heard about crypto. Cryptocurrency is a type of virtual currency, but digital currency is different from that. How it is different, that we will know in this class. Digital currency, also known as electronic money or e-money, refers to any form of currency or value that exists in digital or electronic form. That is one thing. The digital money, which is recently introduced by the RBI, it represents the fiat currency. Fiat currency, jis currency mein aap transactions karna legal hota, that is called fiat currency. In India, the digital rupee will have unique identification and will be regulated by whom? RBI. So, digital currency kya hai? Ye virtual nahi hai. It's an electronic currency, form of digital or electronic. Digital currency will have unique identification and will be regulated by your RBI. That is one thing. It aims to be accessible both online and offline. That I will tell you. And RBI plans to launch two versions of digital currency. One is digital rupees for wholesale, that is catering to financial institutions for interbank settlements, and digital rupee for retail for consumer and business transaction. What this will do is, जो हम physical currency use करते हैं, उसको कम करेगा, plus cost of printing and maintaining को कम करेगा, और बहुत सारे sources पे helpful होगा. डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक करेंसी होगी, विच विल लोअर, देखो जो चीज मैंने आपको बोली, इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शंस. होल्डर्स नीड नॉट टू हैव अ बैंक अकाउंट, दैट इज अनदर थिंग. इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कैश. अब यहाँ पे ये डिफरेंट, अगर आपसे पूछ ले एक सिंपल एग्जाम्पल, पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी. फर्स्ट इज इश्यूएंस ऑफ मनी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज हियर. होल्डर्स का कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, इट इज द सेम विद दैट. एंड दे आर फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कैश, बट क्या क्रिप्टो है? फिलहाल के लिए उतना नहीं है. देयर आर सोवरेन करेंसी इशूड बाय सेवरल बैंक्स. लायबिलिटी इन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट विल बी लेस एंड एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर लीगल टेंडर. इट विल बी लीगल टेंडर, बट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इन लीगल टेंडर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिप्टो करेंसी. इट इज ऑल्सो डिजिटल करेंसी, बट इट इज वर्चुअल करेंसी. वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या? एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमने बना रखा है. नोबडी हैज सीन दिस बिटकॉइन और दे आर वर्चुअली डूइंग इट. इट इज डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन मीडियम पे काम करती है. सो इफ समबडी आस्क क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो वो ब्लॉकचेन पे काम करती है. इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी आरबीआई गाइडलाइंस, नीदर दे आर पार्ट ऑफ एनी बैंकिंग चैनल्स एट द सेम टाइम. अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम होता है. ठीक है, transactions with cryptocurrency are recorded on public digital ledger called blockchain, and blockchain is a decentralized digital ledger that records transactions across the network computers. आपके साइंस एंड टेक में ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे स्टेटमेंट दो बार यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन. सो लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, लिटकॉइन है, और भी बहुत सारे हैं. 500 ऐसे क्रिप्टोकरेंसी आज के डेट में मार्केट में घूम रहे हैं. अब होता क्या है, एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट किया जाता है बिटकॉइन के लिए या पर्टिकुलर एनी क्रिप्टो करेंसी के लिए. एक ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड, देन हर एक नोड में नेटवर्क को भेजा जाता है. थ्रू दैट नोड जो है वो वैलिडेट करेगा क्या ट्रांजेक्शंस को, एंड दिस ट्रांजेक्शन रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ द वर्क, एंड देयर आफ्टर द ब्लॉक इज एडेड टू द एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट. फॉर एग्जाम्पल, आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना था, आपने बिटकॉइन खरीदना था, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट गई. ये रिक्वेस्ट के बाद क्या हुआ, जहां जहां पे अवेलेबिलिटी थी बिटकॉइन की या वर्चुअल करेंसी की, उन सारी जगहों पे पॉइंट्स गए. देयर आफ्टर वैलिडेट किया कि ट्रांजेक्शन सही है या गलत है, एंड देयर आफ्टर जो नोट्स की अवेलेबिलिटी थी उसके बिहाफ पे अलग अलग दिखा देगी कि इतनी अवेलेबिलिटी है. नाउ यू नो आपको कितने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना है या खरीदना है.
सो दे हैव इन्वेस्टेड करेंटली. बीच में तो ऐसा हो गया था कि एक बिटकॉइन 16 लाख रुपए तक पहुंच गया था, जो कि बहुत सस्ते में स्टार्ट हुआ था. सम पीपल शो देयर इंटरेस्ट व्हेनेवर द मनी पॉइंट कम्स. और उसमें बिटकॉइन का ये है कि बिटकॉइन वॉज एट दैट टाइम 4000 या 5000 की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि आज के डेट में एटलीस्ट 4 लाख to 6 लाख रुपीज तक पहुंच गई है. बट अगेन यू मस्ट नो दिस इज अ गिमिक ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड. पता नहीं कब ये ऐसे डाउन होगा. अगर आप छोटे बच्चे में होशियार होंगे तो आपको स्पीक एशिया के बारे में पता होगा. स्पीक एशिया ने भी ऐसे ही सपने दिखाए थे लोगों को, पैसे दुगने तिगुने चार गुने करने के, और उसके बाद स्पीक एशिया लोगों के पैसे लेके भाग गया था. सो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ चिट फंड स्कैम इन नियर फ्यूचर. एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज विद द इन्वेंशन ऑफ सच टेक्नोलॉजीज द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट एनी प्लेस एक्सेप्ट टू दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So somewhere the government has also taxed the digital transactions by 30% or 20% of your transaction value. जिससे जो benefits arise हो गए तो वो benefits भी खत्म हो जाएंगे. और cyber security threat बहुत बड़ा है. Transactions करते हैं इस currency में. Now see what you do in share market. Share market में आप क्या खरीद रहे हो? Shares. It is again a kind of stock market. Bitcoin is again a kind of market of, not in a very real terms, but yes, it is. How? Let me tell you. Yes. आपका share market है, ठीक है? आप share market में क्या कर रहे हो? Share खरीद या बेच रहे हो. Based on what? Performance of share. आप क्या आप share खरीद के क्या इंतजार करते हो? Share की values बढ़ती जाएं. कब बढ़ेंगी? जब share की डिमांड बढ़ेगी. सिंपल, इंटायर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सिंपली अंडरस्टैंड, डिमांड बढ़ेगी. सेम इज विद बिटकॉइंस. बिटकॉइंस का क्या है? इनिशियली कुछ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, करेक्ट? देयर आफ्टर इन इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ? डिमांड बढ़ी, इन्वेस्टर्स बढ़ते गए, और इन्वेस्टर्स बढ़े तो बिटकॉइन की क्या हुई? वैल्यू बढ़ती गई. फॉर एग्जाम्पल, जो बिटकॉइन मान लो 400 रुपए से शुरू हुआ होगा, उसकी एक बिटकॉइन की कीमत शायद आज 4 लाख रुपए होगी. इससे क्या हुआ? जिन्होंने 400 का एक बिटकॉइन लिया होगा, आज वो 4 लाख के मालिक हो गए. सो व्हेनेवर दे वांट टू सेल दैट बिटकॉइन, दे विल गेट द मनी बैक इन देयर ओन रूपी फॉर्मेट. दे कैन डू द ट्रांजेक्शन. एंड इन नियर फ्यूचर इट माइट बी एक्सपेक्टेड कि वर्चुअल करेंसीज में ही ट्रांजेक्शन कुछ कंट्रीज इनिशिएट कर दें. बीच में से कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल टेंडर ऑफ देयर कंट्रीज और देयर इकोनॉमी. जैसे देयर आर फ्यू कंट्रीज, देयर आर सम स्मॉल कंट्रीज हु हैव डन सो. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. अब स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया अगर देखें तो इट हैज अ लीगल स्टेटस. नहीं है अभी, स्टेटस ऑफ फ्लक्स में ही चल रहा है. देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट. सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की उस नियम को बदल दिया था, जहां पे आरबीआई हैज सेड कि दिस पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट बी देयर. देयर आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड सेवरल वार्निंग्स अगेंस्ट द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. दैट्स वेरी ट्रू. स्टार्टिंग स्टेटिंग दैट दे पोज अ रिस्क टू इन्वेस्टर्स एंड नॉट अ लीगल टेंडर. The remark points, they pose risk to investors. How? This can be a cyber security threat also. For example, maan lo, you don't know who is the person who is initiating this Bitcoin. We don't know kahan se Bitcoin ka transaction hoga, kuch bhi hoga, because blockchain hai, completely decentralized hai, source of transaction kuch bhi nahi pata hai. All of a sudden, ek din Bitcoin gayab ho jaye market se. Gayab. जैसे वो मूवी थी ना, गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं. सो इट मे गेट गायब. और जब ये गायब हो जाएगा बेटा, तो आपके हाथ में क्या आएगा? ठनठन गोपाल. और उस ठनठन गोपाल के साथ आप हो जाएंगे बेहाल. तो इसलिए वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स इन दीज क्रिप्टो करेंसीज और इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर मार्केट, यू शुड बी वेरी क्विक, वेरी एक्यूरेट, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल. सुना है ना, नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान से ज्यादा नुकसान. वही वाला हाल है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था सर्कुलर को जिसकी मैंने बात की आरबीआई की, जिसने बैन किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज में डील करने से। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए जो भी करेगा उसके टैक्स से 30% का टैक्स डिडक्शन होगा जो भी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांसफर करेगा या इन्वेस्ट करेगा। दैट मीन्स मान लो तुमने 20 लाख रुपए कमाए, इस 20 लाख रुपए का कितना परसेंट, 30% तुमको किसको देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स के रूप में। दे हैव ऑल्सो सेट अप अ पैनल टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो दे आर ऑल्सो इशूइंग इट, एट द सेम टाइम दे आर टैक्सिंग इट। सो क्या होगा, गवर्नमेंट मे डू सम सर्टेन रिफॉर्म जहां पर लोगों को बेनिफिशियल लगे डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करना या डिजिटल करेंसी को लेके उस कॉन्टेक्स्ट में काम करना। So this was it from share market, stock market, virtual currency and digital currency. Now, after a pause of 4 to 5 minutes, we'll start with agricultural reforms in India. So just wait for 4 to 5 minutes and then we'll get back to it. Thank you.